वेलकम टू स्काई फाइंडर गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्काई फाइंडर के अनदर एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक बटन पर दबा देना, सब्सक्राइब बटन को ऑन कर देना और टर्न ऑन नोटिफिकेशन बेल फॉर डेली अपडेट्स गाइस। सो गाइस, मैंने पिछली बार ये गेम खेली थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, ऐसे डूब नहीं गया था, मैं बाहर निकल गया, बाहर भी गए। सो गाइस, सो ये सर्वाइवल गेम है, इसमें सब आपको ढूंढ कर बनाना पड़ता है और आगे जाना पड़ता है। सो पिछली बार मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, पिछली बार जब मैंने खेला था मुझे बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं, रेयर आइटम मिले थे, लेकिन एक सी मॉन्स्टर ने मुझे मारा और मैं फिर से यहीं पे इस आइलैंड पे स्पॉन हो गया। और यहाँ पे बहुत कम रिसोर्स है, तो ये देखिए मेरे पास एक दूध की बकेट है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है इस आइलैंड पे, तो देखकर अपना बता सकता हूँ। सो गाइस, क्या कि पिछली बार बहुत आइटम मिले थे और एक सी मॉन्स्टर ने मुझे मारा और मेरे पास ब्रेड नहीं है, इसकी वजह से मैं फिर से इस आइलैंड पे स्पॉन हो गया। इस गेम में ब्रेड बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके लिए मुझे वूल की ज़रूरत है। ये देखिए स्पाइडर मिल गया मुझे, स्पाइडर मुझे वूल की बहुत ज़रूरत है जिससे मैं बेड बना सकता हूँ। और अगर एक बार मैंने बेड बना दिया तो मैं वहीं पर स्पॉन हो जाऊँगा जहाँ पे मैंने बेड रखा है, इसके लिए मुझे बेड की बहुत ज़रूरत है। लेकिन जिस आइलैंड पे मैं हूँ उस पर कोई भी शिप, मतलब जो भेड़ होती है वो स्पॉन नहीं होती, इसकी वजह से मुझे वूल नहीं मिल रहा और इसकी वजह से मुझे बेड बनाने में बहुत तकलीफ हो रही है। तो मुझे कंपल्सरी स्पाइडर को मारना पड़ेगा, स्पाइडर से फाइट करनी पड़ेगी। इसकी जो स्प्रिंग होती है, वेब होता है, उस वेब को मिला के मैं वूल बना सकता हूँ और वूल को बनाने के मैं वेब बना सकता हूँ। तो आज के एपिसोड का यही टारगेट है, वेब बनाना, सिर्फ यही एक मकसद है, क्योंकि विदाउट वेब आपको ये गेम खेलने में बहुत डिफिकल्टी होगी। वेब बनाने के बाद जब आपको वेब रखोगे तो वहीं पे आप स्पॉन हो गए अगर आप मर गए तो। और दूसरी बात ये कि आपको रात भर जागना नहीं पड़ेगा, सोते ही तुरंत 2 मिनट में सुबह हो जाएगी और जो भी मॉन्स्टर्स वगैरह होते जो रात को आते तो वो नहीं आएंगे। तो मैं बेड बनाने के लिए, ये देखिए मैंने उसके बाद बहुत सारे आइटम कलेक्ट कर लिए, अभी मेरे पास 3 ही वेब है। तो मैं पहले क्या करूँगा कि मैं फिशिंग रॉड बनाऊंगा, मैं अभी बेड तुरंत नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास इतनी स्ट्रिंग्स नहीं है जिससे मैं वूल बना सकता हूँ। तो मैं फिशिंग रॉड बनाऊंगा, ये इसके लिए कि मुझे खाना भी मिलेगा फिशिंग रॉड से, मतलब मैं कैसे बनाते हैं शायद कहीं भी चुप रहा हूँ, हाँ ये हो गया। सो फिशिंग रॉड, इससे क्या होगा कि मुझे फिश में कलेक्ट करूँगा, उसको खा सकूँगा। और इतना ही नहीं, ये देखिए ये मैं नीचे जा रहा हूँ, यहाँ पे जो भी मुझे रेयर आइटम मिले ये यहाँ पे मिले। ये देखिए इस केव में मैं जब आया था पहली बार तो ऊपर से मेरे ऊपर से ज़ॉम्बी गिरे थे, वो बहुत डरावना था, मुझे देखते ही मेरे ऊपर कूद गए सारे, मैं तुरंत उसे बंद करके ऊपर आ गए। सो अब मैं फिशिंग रॉड से फिशिंग करूँगा, इससे मुझे फिश भी मिलेगी, खाने के लिए आइटम भी मिलेंगे। और फिशिंग रॉड से सिर्फ आपको फिश ही नहीं तो कुछ रेयर आइटम्स भी मिलते हैं, जैसे कि आर्मर हो, बुक्स हो, ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो आपको मिल सकती है फिशिंग से, इसलिए मैं फिशिंग कर रहा हूँ। इस आइलैंड पे खाने के लिए भी कुछ नहीं, और मैं यहाँ पे बोट से बहुत घुमा हूँ तो बाकी के आइलैंड पे भी बहुत कम रिसोर्स है, वहाँ पे भी कुछ नहीं है। अभी ये रात हो रही है तो मैं अंदर से फिशिंग करूँगा क्योंकि मैं बहुत बार मर चुका हूँ किसी गेम में, मैं दूसरी बार ही खेल रहा हूँ, लेकिन क्या करें यहाँ पे इतना नहीं है, मुझे ये गेम बहुत स्मार्टली खेलना पड़ेगा। अगर आप किसी जंगल में स्पॉन हो जाते हो, किसी विलेज के पास स्पॉन हो जाते हो तो आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी, लेकिन इस आइलैंड पे और आजू बाजू के आइलैंड पे कुछ भी नहीं है और बहुत कम जो मॉब है वो स्पॉन होते हैं यहाँ पे,
या फिर सिर्फ डरावने मॉब ही ज़्यादा स्पॉन होते। ये मैं इसको कुक करूँगा खाने के लिए, मैं वैसे भी डायरेक्टली नहीं खा सकता कुक बिना कुक किए। अगर आपने बिना कुक किए डायरेक्टली फिश खा ली तो आपको पॉइजन इफेक्ट आ जाएगा और आप डैमेज, आपकी हेल्थ कंटिन्यूसली डैमेज होती रहेगी। सर अभी तो मेरा टारगेट तो इतना ही, पहले मैं बेड बनाऊँ, अगर मैं बेड बनाता हूँ तो तुरंत सुबह हो जाएगी और इसकी वजह से मुझे रात भर जागना नहीं पड़ेगा, यही एक टारगेट है। एक फिश इतना दो हेल्थ तक काम कर दिए, एक फिश। ये जो है वो मेरा फूड है राइट साइड को, और जो हार्ट है वो मेरी हेल्थ है। इससे आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है, जब आप फिशिंग करते हो तो आपका एक्सपीरियंस भी गेन होता है। ओके अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक शील्ड बनाऊंगा, मैं जब कल बाहर जाऊंगा तो शील्ड की वजह से मैं सेफ रहूँगा। तो मैं पहले एक शील्ड बना लेता हूँ। शील्ड कैसे बनेंगे, ये और ये प्लांट कैसे मैंने लगा दिए, नहीं ये तो नहीं है, ऐसे नहीं। शील्ड कैसे बनाते हैं, ओके तो मैं ग्रीन बुक में देख लेता हूँ। ये ग्रीन बुक है साइड में, इस ग्रीन बुक की वजह से आपको जो रेसिपीज पता नहीं है उसे आप ढूंढ सकते हो। ये देखो ऐसे शील्ड बनाते हैं। शील्ड शील्ड की वजह से क्या है कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो और उनके मार से बच सकते हो, एरोस से बच सकते हो। ओके बहुत इंपॉर्टेंट है शील्ड। मैं दो बना देता हूँ, एक स्पेयर में रख देता हूँ अगर ये टूट गई तो। ओके मैंने शील्ड बना ली मेरी, इतने अपने केस में रख देता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ कि बाहर जाने से पहले ना मैं जो भी सामान मुझे नहीं चाहिए अभी नहीं लगने वाला वो मैं इसमें रख देता हूँ। अगर मैं मर गया तो फिर से सारा सामान खो जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वही मैं अपने साथ ही रखूँगा। शील्ड, कुछ सॉल्ट, कुछ खाना, ये बकेट की ज़रूरत नहीं है अभी मुझे। कुछ सॉल्ट कलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने बहुत सारे सॉल्ट इसलिए बना के रखी है। और कुछ टॉर्च में अपने साथ रखूंगा अगर रात हो गई तो। ये मैंने शील्ड पकड़ ली और मैं बाहर आ गया। ये सुबह हो गई है तो सुबह होते ही मॉक वो ये पानी में कौन है, वो ये जॉम्बी है। इन जॉम्बी को मैं जानता हूँ, इनके पास क्रॉसबो होता है, सिर्फ वो क्रॉसबो की वजह से वो बहुत तेजी से एरो शूट करते हैं और बहुत डैमेज करते हैं। ये यहाँ पे स्पॉन कैसे हो गए, क्या करूँगा मैं इसको मारूंगा नहीं तो ये मेरे घर में घुस जाएगा। आप शील्ड की शील्ड शील्ड प्रोटेक्ट मेरे का क्या है, मैं शील्ड कर रहा हूँ। अगर शील्ड नहीं होती तो आपका मेरी आधे से ज़्यादा हेल्थ नहीं होती। बहुत तेजी से शूट करते हैं, अगर शील्ड नहीं होती ना गया था। पहले मैं देखो कितना डैमेज हो रहा है। ये मेरे पीछे आ जाता हूँ, बहुत डैमेज कर रहा है। सो पहले रिकवर करूँगा खुद को। खा लो भाई कुछ, अब मैं फिर से उनको मारने के लिए जाऊंगा। अगर ये चीज नहीं होती तो मैं गया था। ये गया, इसे ड्रॉप किया और
कुछ भी ड्रॉप नहीं था एक्चुअली। जब आप उनको मारते हो तो बहुत बार आपको प्लस पॉइंट वो आपको मिल जाता है, लेकिन इसमें कुछ ड्रॉप नहीं है। ये मैं फिर से पीछे हो जाऊंगा, पहले मैं को करूंगा, पहले ये मैं कर देता हूं, इस वजह से मुझे कुछ मिलेगा। वो पानी में फंस गया है, वो गोल गोल घूम रहा है वहां पे, यहाँ पे नहीं आ सकता। ओके अपने पीछे हो जाऊंगा, नहीं तो मेरे सारे आइटम पानी में गिर जाएंगे। सिर्फ शील्ड ऑन करके पीछे जाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने उसको पीठ दिखाई तो वो पीछे से मुझे एरो मारता। बस मरना मत। ये बहुत डैमेज करता है। पीछे 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 कहाँ पर घूमता है? क्या अंदर आऊंगा? आज का वो बहुत ही उसने काम कर दिया। अब मैं इसके ऊपर कूद के फिनिश कर दूंगा। ये क्या हो रहा है कि मेरे एरो जब मैं क्रॉस कर रहा हूँ वो ऊपर लग रहे हैं। आपको तुरंत आसानी से एंगल में शील्ड बनाए थे, मैं गया था आज कुछ खाने के लिए खाने के लिए। वाह यहाँ पे एक फिश है, बहुत अच्छे। इसको मैं कुक कर दूंगा। सो गाइस ये बहुत ही बढ़िया गेम है, सर्वाइवल गेम है। अगर आप बहुत ही स्मार्टली खेलते हो तो आप इसमें ऑटोमेशन भी ऐड कर सकते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं अभी ऐसे आइलैंड पे स्पॉन हूँ जहाँ पे बहुत कम रिसोर्स है, इसलिए मैं अभी तुरंत नहीं कर सकता। एक बार बेड मिलने के बाद इसमें मैं ज़रूर यहाँ पे एक भी शीट नहीं थी। हाँ ये कहाँ से आ गई? बस मैं सारा गुस्सा इसमें निकालने वाला हूँ। क्या है ना, यहाँ पे एक भी शिप नहीं थी और इसके लिए मुझे बहुत भागना पड़ा था। एक बेड के लिए मुझे बहुत ही दूर तक जाना पड़ा था और मैंने सारे आइटम खो दिए उसके वजह से। ये मेरा घोड़ा है जो मुझे बहुत बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये अब मुझे एक बुल मिल जाए, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास स्ट्रेंथ होगी, मेरे पास दो बुल होंगे, एक मेरे चेस्ट में है और स्ट्रिंग है मेरे पास। अगर मेरे पास स्ट्रिंग है जितनी चाहिए मुझे तो मैं एक बेड बना सकता हूँ। आज का टारगेट सिर्फ इतना है बेड बनाना, क्योंकि मुझे बहुत दूर तक जाना पड़ा था एक बेड बनाने के लिए।
वैसे इतनी मुश्किल नहीं होती है, जब आप बहुत अच्छी जगह पर अगर स्पॉन हो जाते हो तो। शैडो ही है मेरे पास और दो चाहिए, कोई नहीं अगर और दो मिल जाए तो मैं उसे वुल बना सकता हूँ, मैं बेच सकता हूँ। ये स्पाइडर, मुझे स्पाइडर उसे मारना ही पड़ेगा इसके लिए। क्रीपर आ रहा है बस, इश ये देखो इसने स्पाइडर को भी मार दिया। उई तुम कहाँ से आ गए, जाओ यहाँ से, मेरे पास तुमसे खेलने के लिए वक्त नहीं मेरे पास। इसके लिए बेड चाहिए, अगर आपके पास बेड नहीं है तो आपको रात भर ऐसे ही इनके साथ खेलना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास बेड है तो आप तुरंत सो सकते हो और सुबह हो जाएगी। तो मुझे दो बुलबुल दो स्ट्रिंग मिल गए, अब मैं इसका बेड बना सकता हूँ। ओके ये ऐसे रखे तो गुल हो जाएगा, मुझे टोटल 3 बुल चाहिए, यहाँ पर मेरे पास 2 है। हाँ अब मैं बेड्स बना सकता हूँ। हाँ थैंक गॉड, चलो यस एक बेड बनाने के लिए मुझे कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी है सच में। मैं पहला प्लेयर होऊंगा जिसके लिए जिसको बेड बनाने के लिए इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। चेन की गुड नाइट, चलो ये देखो सुबह हो गई, तुरंत सुबह हो गई। जैसे ही सुबह हो जाती है तो जो मॉब है वो सूरज की रोशनी की वजह से जल जाते हैं, ये भी तो वहाँ पे जल रहे हैं और मर जाते हैं। इसकी वजह से आपको उनसे फाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो आइटम भी ड्रॉप करती है। सिर्फ स्पाइडर और क्रीपर ये दोनों ही ऐसे मॉब है जो सूरज की वजह से नहीं जलते, नहीं मरते, तो आपको थोड़ा संभल के खेलना पड़ता है। और मुझे इस गेम में सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम दिए तो क्रीपर ने दिए, क्रीपर की वजह से मैं बहुत बार मरा हूँ। वो ब्लास्ट हो जाती है, आपने देखा तो स्पाइडर को ब्लास्ट कर दिया। सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट दैट लाइक बटन, इफ यू न्यू अराउंड हियर देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन बेल फॉर डेली अपडेट्स। अगर आपको एक गेम पसंद आई तो जरूर बताना, ये बहुत ही अच्छी गेम है। तो अभी तो बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि मेरे आस पास की नहीं है, तो मैं जरूर नेक्स्ट सिचुएशन में ट्राई करूँगा कि ऐसी चीज़ें बनाओ कि मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स मुझे मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आइटम मुझे मिले। तो नेक्स्ट टाइम में मैं एटोमेशन टेक्निक का यूज़ जरूर करना चाहूँगा, मैं ढूंढ के निकालूंगा कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा खाना इकट्ठा करें और ज़रूरत जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कैसे कलेक्ट करें विदाउट ज़्यादा घूमें या ज़्यादा फाइट वगैरह की। ठीक है, सो इफ लाइक दिस वीडियो देन हिट दैट लाइक बटन। अगर आपको माइनक्राफ्ट पसंद है और आपको और एपिसोड चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपके लिए डालता रहूँगा एपिसोड। ओके सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।